वेलकम है मेरे चैनल पे। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने टम्बलर अकाउंट में प्रोफाइल पिक कैसे लगाएंगे, प्रोफाइल पिक कैसे सेटअप करेंगे और बैक कवर फोटो कैसे लगाएंगे। तो इसके लिए आपको टम्बलर ऐप को ओपन कर लेना है। ये है टम्बलर एप्लीकेशन का लोगो, मैं इसे ओपन कर लेता हूं। ये देखिए इस तरह से इंटरफेस शो करेगा। ये टम्बलर का होम पेज है। अगर टम्बलर के अंदर अपना आपका अकाउंट है, आपका आईडी है, तो आपका भी इस तरह से होम पेज शो करेगा, दिखेगा। अब आपको यहां पे क्या करना फ्रेंड्स, जिस आईडी से मैं लॉगिन हूं, यहां पे आप देखिए एक आदमी नुमा जैसा आइकॉन है सबसे नीचे दाएं साइड में, राइट कॉर्नर पे सबसे नीचे। यहां पे आप देखिए इस जगह में आपको प्रेस करना है, इस जगह में आपको क्लिक करना है अकाउंट सेटअप करने के लिए। मैंने इसके ऊपर प्रेस कर दिया। इसके ऊपर जो ही प्रेस करेंगे तो आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा कुछ इस तरह से। यहां पे आप देख सकते हैं ये वाला पेज ओपन हो गया। मैं आपको शॉर्ट शॉर्ट में बता दूं, जल्दी जल्दी में थोड़ा थोड़ा। ये जब इससे पहले मैं होम पेज में था, ये होम पेज का ऑप्शन है, ये सर्च का ऑप्शन है। किसी की आईडी, किसी का प्रोफाइल, किसी का नाम सर्च करके किसी फ्रेंड्स या किसी रिश्तेदार को आप यहां टम्बलर के अंदर ढूंढ सकते हैं। ये है चैटिंग का ऑप्शन और ये जो आदमी नुमा जैसा आइकॉन है इसके ऊपर क्लिक करके मैं अभी इसी पेज के अंदर हूं। फ्रेंड्स यहां पे आप देख सकते हैं, यहां पे जो स्क्रॉल डाउन है ये एरो जो दिख रहा है आपको, इस एरो के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप जो है और आईडी टम्बलर के अंदर मल्टीपल अकाउंट, मल्टीपल टम्बलर प्रोफाइल यूज कर सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, इसके ऊपर क्लिक करके ये देखिए यहां पर लिखा है, देखिए जिस आईडी से मैं लॉग इन हूं वो आपका यहां पर शो हो रहा है। और अगर आप दूसरा न्यू टम्बलर प्रोफाइल, टम्बलर के अंदर नया आईडी बनाना चाहते हैं तो यहां पे देखिए क्रिएट अ न्यू टम्बलर, यहां पे आप क्लिक करेंगे तो आप जो है न्यू टम्बलर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद यहां पे आप देख सकते हैं ये एक कलर का ऑप्शन है, यहां पे जो है आप टेम्पलेट बदल सकते हैं टम्बलर का। और ये टम्बलर की सेटिंग है, ये टम्बलर का सेटिंग है फ्रेंड्स। तो चलिए मैं आपको बता दिया थोड़ा थोड़ा, अब मैं आपको बताता हूं क्या करना है। यहां पे देखिए फ्रेंड्स ये है टम्बलर का। जब आप न्यू आईडी बनाइएगा, कोई भी प्रोफाइल पिक सेटअप नहीं कीजिएगा, प्रोफाइल पिक जब तक आप नहीं लगाइएगा तो यही लोगो, ये टम्बलर का लोगो आपके सामने शो करेगा, दिखेगा। अब अपना प्रोफाइल पिक लगाने के लिए आपको इसी के ऊपर क्लिक करना है। देखिए आप जी, आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहां पर नीचे देखिए चेंज योर अवतार ये है और व्यू योर अवतार। फ्रेंड्स अगर आप अपना प्रोफाइल पिक को बड़ा करके देखना चाहते हैं, फुल्ली तरह से देखना चाहते हैं, व्यू करना चाहते हैं, तो आप व्यू योर अवतार के ऊपर क्लिक करेंगे, नीचे वाले के ऊपर क्लिक करेंगे जो नीचे दिया हुआ है। और अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो चेंज योर अवतार के ऊपर क्लिक करेंगे। तो मैं चेंज योर अवतार करके चेंज करना चाहता हूं, मैंने चेंज योर अवतार के ऊपर प्रेस कर। अब आपको प्रोफाइल पिक लगाने के लिए, अपना अवतार सेटअप करने के लिए यहां पे देखिए चूज आ फोटो आपका ऑप्शन है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर जो ही क्लिक करेंगे फ्रेंड्स तो आपसे कुछ परमिशन मांगेगा। ये देखिए परमिशन मांग रहा आपसे, यहां पे आप आलो कर देंगे। आलो करने के बाद आप जो है अपना गैलरी के अंदर चले जाएंगे, आपके सामने रीडायरेक्ट आपका गैलरी हो जाएगा। अब आप यहां से कोई सभी फोटो अपने गैलरी से उठा के आप वहां पे डाल सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, यहां पे देखिए मैं कैमरा ओपन कर लिया। अब यहां से कोई सभी एक पिक मैं सेलेक्ट करके मैं अपना अवतार के तरह अपना प्रोफाइल पिक, अब देखिए यहां पे मैंने अपना कैमरा सेलेक्ट कर लिया, कैमरा ओपन कर लिया और इस कैमरा से मैंने जो फोटो खींचा है वो इस फाइल में है। और यहां से मैं एक फोटो को सेलेक्ट करके मैं अपलोड कर देता हूं और प्रोफाइल पिक के तौर पर सेटअप कर देता हूं। मैंने एक फोटो के ऊपर क्लिक कर दिया। अब ये सोरा आप देखिए यहां पे, आप थोड़ा वेट करें। अब देखिए फ्रेंड्स ये वाला पिक मैंने सेलेक्ट करके यहां पे प्रोसेस करके ये पिक दिख रहा है आपके। अब आपको यहां पे देखिए सेव के ऊपर क्लिक करना है, सेव जो लिखा है। अब आपको यहां पर देखिए सेव का ऑप्शन है, यह सेव के ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है इस प्रोफाइल पिक को सेटअप करने के लिए। मैंने सेव कर दिया, यहां पे देख सकते हैं फ्रेंड्स ये वाला फोटो मेरा सेटअप हो गया प्रोफाइल पिक में। मैंने अपना अवतार चेंज कर दिया और इस तरह से आप अपना प्रोफाइल पिक चेंज कर सकते हैं। और फ्रेंड्स यहां पे आप देखिए अगर आप अपना प्रोफाइल शो करवाना चाहते हैं तो यहां पर आपको ऑन रखना पड़ेगा, जिस तरह से मेरा ऑन है। और अगर आप इसे
और दिखाना नहीं चाहते हैं, शो नहीं करवाना चाहते हैं किसी को भी, तो आप इसे क्या कर देंगे, ऑफ कर देंगे, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो ऑफ हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहां पे आप देखिए एक जो है कलम का आइकॉन है, पेंसिल का आइकॉन। अगर आप कवर फोटो लगाना चाहते हैं, कवर फोटो चेंज करना चाहते हैं, तो आपको इस, अगर आप कवर फोटो लगाना चाहते हैं, कवर में बैक में कोई भी फोटो सेटअप करना चाहते हैं, कोई भी चीज सेटअप करना चाहते हैं, तो आपको इसी पेंसिल के ऊपर क्लिक करना है। इसी पेंसिल के ऊपर जो ही प्रेस करेंगे फ्रेंड्स, तो यहां पे देखिए ये वाला, ये सारा ऑप्शन आपके सामने शो हो रहा है। देखिए यहां पे ये है रिपोजिशन, यहां पे रिपोजिशन, चूज अ फोटो, स्ट्रेच हेडर, शो हेडर इमेज। तो आपको सबसे पहले अपना कवर फोटो लगाना है, तो यहां पे देखिए चूज अ फोटो के ऊपर क्लिक करेंगे दूसरे वाले ऑप्शन के ऊपर। मैं चूज अ फोटो के ऊपर क्लिक कर देता हूं और कोई एक बैक में कोई एक कवर फोटो सेटअप कर देता हूं। अब देखिए फ्रेंड्स, चूज फोटो के ऊपर क्लिक करने के बाद रीडायरेक्ट आप जो है अपने गैलरी में आ जाएंगे। यहां पे मैं अपना गैलरी से एक फोटो सिलेक्ट कर लेता हूं और एक फोटो सिलेक्ट करके मैं कवर फोटो के तौर पर सेटअप कर देता हूं, लगा देता हूं। यहां पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये वाला फोटो भी मेरा सेटअप हो गया। बैक में देख सकते हैं, बैक में आप कवर फोटो मैंने लगा दिया। आप इस तरह से आप अपना प्रोफाइल पिक और आप अपना कवर फोटो लगा सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं।